हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वर्डप्रेस साइट को मेंटेनेंस मोड में कैसे डाल सकते हैं। तो ये हम अचीव कर सकते हैं दो तीन मेथड से। तो मेनली आप जब भी मेंटेनेंस मोड पे डालोगे अपनी साइट, या तो आप कोई काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइव साइट पे चेंजेस हो रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो, या अगर आपकी वेबसाइट बन रही है, डेवलपमेंट स्टेज में है और आप चाहते हैं कि लोगों को कोई एक लैंडिंग पेज दिखना चाहिए कि कमिंग सून का, और कोई टाइमर लगा हो उसमें, तो आप वो मेंटेनेंस मोड के थ्रू अचीव कर सकते हो। एक तो प्लगइन के थ्रू हम कर सकते हैं, एक है हम होस्टिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इनेबल कर सकते हो। जैसे ही आप जाएंगे अपने, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपका होस्टिंग पैनल है, जैसे मेरा होस्टिंग पैनल है होस्टिंगर पे, क्योंकि ये सारी सर्वर और डोमेन होस्टिंगर पे सिचुएटेड है मेरा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी क्लाइंट की साइट है, मैं इसमें मेंटेनेंस मोड इनेबल करना चाहता हूँ। जैसे देख सकते हैं मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही इनेबल हो जाएगा तो आपको एक कमिंग सून का दिखेगा होस्टिंगर के थ्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखिए जैसे ही देख सकते हैं इनेबल हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं कि हमारा मेंटेनेंस मोड इनेबल हो गया है। अब हम इसको डिसेबल कर देते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं प्लगइन के थ्रू। तो हम वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पर चले जाते हैं और प्लगइन का आपने चले जाना अपने प्लगइन्स के सेक्शन में। तो जैसे कि देख सकते हैं डैशबोर्ड खुल गया है, और उसके बाद आपने चले जाना प्लगइन्स के ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना। अब जैसे ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे आपने लिखना है अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, और ये जो दिख रहा है आपको फर्स्ट रिजल्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, ये हमारा प्लगइन का नाम है। आप देख सकते हैं कि इसमें 7 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर आप प्रीमियम वर्जन लोगे तो उसमें और आपको टेम्पलेट देखने को मिलेगी, बट एक बार जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको आपके आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा आपको अंडर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे सेटिंग में जाओगे यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन का आपको ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे इसे क्लिक करेंगे अब जैसे कि देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस आ गए। जैसे आपने खोला अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे आप इसे इनेबल कर सकते हो, और इसमें आप टाइम वगैरह भी डाल सकते हो कि कब स्टार्ट और कब बंद हो जाए आपका मेंटेनेंस बोर्ड, ये सारे भी डाल सकते हो। डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हो, तो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन ये रहेगा, बाकी सारे प्रीमियम वर्जन में आपको डिज़ाइन मिलेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, हम इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद सेव चेंजेस करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा इनेबल हो गया मेंटेनेंस बोर्ड। मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट पर कैसे लगेगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारा फॉर एग्जांपल एडमिन पैनल खुला हुआ है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें वाइट लिस्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर हमारे में मेंटेनेंस मोड इनेबल हो गया तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे साइट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, तो देख सकते हैं कि हाँ सॉरी वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द साइट, मेंटेनेंस मोड इनेबल हो रखा है यहाँ पे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसी थ्रू आप मेंटेनेंस मोड भी डाल सकते हो अपनी साइट। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।